बीते 15 दिनों में धार जिला कोरोना महामारी के फिर से बढ़ते मरीजों को लेकर प्रदेश के अन्य जिलों की तर्ज पर धार में भी अब कोरोना महामारी के कारण रोज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू और शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरे जिले में लॉकडाउन रहेगा, जिसको लेकर आज कलेक्टर आलोक सिंह ने चर्चा में बताया कि धार में भी प्रतिदिन लगभग 40 कोरोना से पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। जिन लोगों ने जांच करवाई उन्हें क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है और वो जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनके घरों पर चिन्ह बनाए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक कर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क जरूरी कर दिए गए हैं तथा न मानने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। साथ ही जगह जगह मास्क वितरित किए जा रहे हैं। वहीं जिले का बदनावर अति संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि धार रतलाम उज्जैन सहित राजस्थान से जुड़ने वाले मुख्य मार्ग पर होने की वजह से वहाँ कोरोना वायरस का ज़्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। कलेक्टर ने आम लोगों से अपील की है कि वे कोरोना महामारी के चलते आवश्यक सावधानियां बरतें, बेवजह घरों से ना निकलें और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें व बड़े शहरों में जाने से बचें। साथ ही कलेक्टर ने कोरोना वैक्सीन को लेकर भी जानकारियां देते हुए बताया कि जिले में प्रतिदिन लोगों को बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही जिला चिकित्सालय धार में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की खानापूर्ति को लेकर भी उन्हें शीघ्र ही पूरा करने की बात कही है। इस दौरान धार, धामनोद, कुक्षी, बदनावर सहित जिले में अनेक जगहों पर पुनः कोरोना महामारी से ग्रसित लोगों के उपचार हेतु विशेष सेंटर बनाए जाने की भी जानकारी दी। पिछले 15 दिनों में कोविड का जो नया संक्रमण आया है उसमें लगातार केसों में बढ़ोतरी हो रही है। जहां फरवरी में हमारे पास केस लगभग नील हो गए थे, अभी पर डे लगभग 40 से 50 पॉजिटिव प्रकरण आ रहे हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने कुछ सख्त निर्णय लिए हैं। जिन्होंने भी जांच कराई है उन सबसे हमने अनुरोध किया है कि वो क्वारंटाइन में रहें। इसके अलावा जो भी पेशेंट जिनको जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं उनके घर पे आइसोलेशन के लिए लाल फ्लैश चस्पा किए जा रहे हैं और साथ में ही उस पर कंट्रोल रूम का नंबर दिया हुआ है जिससे वो बाहर ना निकलें। जो मैक्सिमम मरीज हैं जिनमें लक्षण नहीं है, जिनको कम प्रॉब्लम है, उनको होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। ज़िले में 80% लोग अभी होम आइसोलेशन में चल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने के लिए काफ़ी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं और पर डे 500 से 600 लोगों पर लगभग 80-90 हज़ार रुपये का जुर्माना भी किया जा रहा है। इसके अलावा हम लगातार स्वयंसेवी सहायताओं के माध्यम से, SHG ग्रुप के माध्यम से मास्क का वितरण कर रहे हैं। जो हमारे खरीदी केंद्र हैं, जो हमारी मंडियां हैं, जहां पे भीड़ आती है, जहां व्यापारिक संगठन हैं, वहां भी मास्क वितरण का कार्य किया जा रहा है। टीकाकरण का कार्य भी हमारा लगातार प्रगति पे है और फेज वन फेज टू में जो वॉरियर्स हैं उनके टीकाकरण का कार्य किया गया है। लगभग पर डे 6,500 का हमारा लक्ष्य है जिस पे हम लोग लगातार टीकाकरण 100% के आसपास लगातार चल रहा है और टीकाकरण में लोग काफ़ी संख्या में आगे बढ़ के भी सामने आ रहे हैं। सर, आने वाले दिनों में कोरोना महामारी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से क्या और सावधानियां बरती जा रही है? एक तो रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, उसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। लगातार निर्देश जो शासन के मिल रहे हैं, अभी फिलहाल हमें ये निर्देश आए हैं कि सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान किसी प्रकार अनावश्यक रूप से निकलना, अनावश्यक गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। निश्चित रूप से पालन जिले में सुनिश्चित कराएंगे और सभी नागरिकों से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और घरों से कम निकलें और बड़े शहरों में जाने से पूरी तरह से बचें जिससे कि आपको संक्रमण न हो और आपको परिवार को कोई संक्रमण न हो। सर, एक जिला अस्पताल में एक सबसे बड़ी समस्या एक तो MD वहाँ पर एक्सपेंडिचर डॉक्टर्स की डिमांड के लिए हमने शासन को लिखा है। हमारे पास जो उपलब्ध अमला है हमें अनुमति दी गई है आयुष डॉक्टरों को रखने की, नर्सों के रखने की, क्लास फोर्थ के स्टाफ को उनकी हमने सबने व्यवस्था कर ली है। इसके अलावा 50 सीटर हमने CCC भी धरावदा में तैयार कर लिया है। जो ज़िले के हमारे अन्य सेंटर हैं, कुच्छी, मनावर, धामनोद, बड़ा, वहाँ पे भी सब जगह पे बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। तो लोगों से अनुरोध है कि किसी प्रकार की पैनिक की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी पूरी तरह से मेंटेन की हुई है। ADM हमारे उसके नोडल हैं जो पीथमपुर से संपर्क करके लगातार अस्पतालों में उसकी सप्लाई भी मेंटेन कर रहे हैं। सर, पिछले साल एक पलायन सबसे बड़ा मुद्दा रहा धार जिले को लेकर, पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है,
और चूंकि लॉकडाउन की पुनः अफवाहों का एक दौर है, इस दौरान प्रशासन अभी ऐसी कोई स्थितियां नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि जब तक गतिविधियां चलती रहें उनको चलाया जाए और अत्यावश्यक होने पे ही शासन के निर्देश पे लॉकडाउन लागू किया जाएगा। तो फिलहाल स्थितियां अपने नियंत्रण में हैं और लोग अपने रोजगार में लगे हुए हैं। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 130,000 लोग मनरेगा के तहत आज भी मजदूरी कर रहे हैं, किसी के लिए रोजगार की कमी नहीं, सबको आवश्यकता के अनुसार रोजगार उपलब्ध है। सर, जिले का हॉटस्पॉट अभी कोरोना को लेकर अभी जो हमारी प्रॉब्लम चल रही है वो बदनावर जो कि रतलाम, उज्जैन और इंदौर से लगा हुआ है, वहाँ पे काफ़ी पेशेंट आते हैं। उसके अलावा धार मुख्यालय से भी लोगों का मूवमेंट काफ़ी बाहर से लोगों का हो रहा है और राजगढ़ सरदारपुर कस्बा जो गुजरात और महाराष्ट्र से लोगों का फ्लो होता है वहाँ भी हॉटस्पॉट हमारे बने हुए हैं। इस पर हम पूरी तरह से नियंत्रण का कोशिश कर रहे हैं। बदनावर में खास करके हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाया है और स्पेसिफिक एरिया से लोगों के निकलने पे प्रतिबंध भी लगाए गए। सर, आने वाले समय के लिए जिलेवासियों को अब मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप अपने घरों में रहें, अत्यावश्यक कार्य न हो जब तक बाहर न निकलें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर आपने जाँच कराई है तो घर में क्वारंटाइन रहें। अगर आप पॉजिटिव आए हैं और आपकी स्थिति ठीक है तो होम आइसोलेशन में रहें, किसी अन्य परिवार के लोगों को